तो यार आज हम फिर एक बार बात करने वाले हैं थोड़े बहुत एनिमे अपडेट्स के बारे में, जिनको सुनकर आपको काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहीं पर आपको सारी अपडेट्स बिल्कुल पहले पता चल जाएगी, जिससे आप अपने फेवरेट शोज को कभी भी मिस नहीं करोगे। तो चलो बढ़ते हैं हमारी पहली अपडेट की ओर। तो हमारी पहली अपडेट है वन पीस एनिमे के बारे में, और वन पीस की एनिमे 2 हफ्ते के ब्रेक पर जाने वाली है स्टार्टिंग फ्रॉम 26th फेब, और इसका नया एपिसोड आएगा डायरेक्टली March 19th को, जो कि सारे वन पीस फैंस के लिए काफ़ी बुरी बात है जो कि इसके एपिसोड्स को वीकली बेसिस पर फॉलो करते हैं, जिनमें मैं भी आता हूँ। सो या इट्स गोइंग टू बी सैड 2 वीक्स, पर कोई बात नहीं, तब तक मैं माहिर अकेडमिया Season 6 को बिंज वॉच कर लूँगा, कैसे चलाना होगा। इसके बाद डीमन गर्ल नेक्स्ट डोर की एनिमे एनिमैक्स पर आ रही है हर दिन शाम के 6 बजे, जो सुनने में अच्छा लग रहा है कि एनिमैक्स जो है वो इंडिया में बहुत सारे एनिमेज लॉन्च तो कर रहा है, पर इनका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अलग है यार। यानी कि इनको एक प्रॉपर स्केड्यूल, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने की सख्त ज़रूरत है। यानी कि यार कुछ भी होते जा रहा है, यानी कि आज पता चल रहा है ये शाम के 6 बजे आ रही है, कल आप एनिमैक्स शुरू कर दो, वहाँ पर ये एनिमे नहीं कुछ और ही आ रहा है। यानी कि यार एनिमैक्स, एक तो तुम्हारे सब टाइटल्स बराबर नहीं, एक तो तुम्हारा टाइम टेबल बराबर नहीं है, भाई तुम क्या कर रहे हो यार, कुछ तो बराबर करो। ऊपर से जियो फाइबर, जियो यू नो टीवी पर अलग ही नशे चलते जा रहे हैं इसके। सो यार आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद देम, इससे अच्छा तुम टीवी पर ही आ जाते, पता नहीं क्या हो रहा है। इसके बाद हमारी अगली अपडेट है सुजुमे नो तोजिमारी के मूवी के तरफ से। तो सुजुमे नो तोजिमारी की मूवी ने जुजुत्सु काइसन जीरो मूवी की अर्निंग्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि जुजुत्सु काइसन जीरो की मूवी ने काफी ज्यादा ही यू नो अर्निंग्स की थी, और सुजुमे नो तोजिमारी ने अभी रिलीज होकर उसके रिकॉर्ड को तोड़ ही दिया है। ये मूवी बाय द वे इंडिया में 21st अप्रैल में भी रिलीज होने वाली है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इंडिया में शायद से जुजुत्सु काइसन जीरो के रिकॉर्ड को तोड़ना इसको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जुजुत्सु काइसन जीरो ने इंडिया में 7 करोड़ कमाए थे। तो इट विल बी अ चैलेंज, बट बोल नहीं सकती, क्योंकि मकोटो शिनकाई भाई जो है उनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में बहुत ज्यादा है, और ऑब्वियसली इनकी मूवीज में बहुत दम होता है। आप कोई भी मूवी चेकआउट करो, इनकी मजे आ जाएंगे। सो आई गेस ये मूवी जो है वो जुजुत्सु काइसन जीरो की अर्निंग्स को इंडिया में भी तोड़ सकती है, मेरे ख्याल से 10-12 करोड़ जा सकती है। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, 21st अप्रैल को भाई मजा आ जाने वाला है। इसके बाद पोकेमोन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पोकेमोन की स्कारलेट एंड वॉयलेट गेम के 2 नए DLCs लॉन्च हो चुके हैं, जिसका नाम है हिडन ट्रेजर्स ऑफ एरिया जीरो। Part 1 का नाम है रियल मास्क, और Part 2 का नाम है दी इंडिगो डिस्क, जो कि फॉल और विंटर्स के महीने में रिलीज होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। पर अगर आपको ये गेम प्लेस देखना है पोकेमॉन के, तो मेरे दूसरे चैनल जेन डाइनो वाई को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर हम पोकेमॉन की गेमिंग वीडियोस बनाते हैं। इसी के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको सारी अपडेट्स पसंद आ रही है, क्योंकि हम 100K के काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो मेरी मदद हो जाएगी। और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू, क्योंकि यार बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमारी अगली अपडेट है नारुतो के टाइमिंग्स के बारे में, क्योंकि ये बार बार चेंज होते जा रहे हैं। तो नारुतो पहले 10 बजे आ रहा था, फिर उसको 9 बजे शिफ्ट कर दिया, फिर उसके बाद वापस 9 बजे शिफ्ट कर रहे हैं ये लोग। तो ऑडियंस जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हो रही है, और काफ़ी ऑडियंस का कहना है कि इनको शाम के 6 बजे नारुतो को दिखाना चाहिए, जो कि अच्छी बात तो होगी, बट आई गेस अभी ये लोग रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो आई गेस ये लोग यही 9 बजे 10 बजे का फॉर्मूला ही चलाएंगे। पर हाँ, जब नारुतो के नए एपिसोड्स आएंगे, यानी कि Season 5, 6, 7, 8, तो तब ये लोग टाइमिंग्स को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नए एपिसोड्स प्रॉबेबली समर्स के टाइम आएंगे, जब ही सब लोग घर पे होंगे, और उस वक्त IPL भी शुरू होगा। तो आई डोंट थिंक सोनी ये नारुतो को IPL के साथ क्लैश कराना चाहेगा, क्योंकि IPL के मैचेस भी 8 बजे के अराउंड शुरू होते हैं, तब शायद से ये लोग नारुतो के एपिसोड्स को 5 बजे या 6 बजे दिखा सकते हैं, यानी कि यही उनकी आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, आपके हिसाब से नारुतो को किस बजे दिखाना सबसे ज्यादा बेस्ट डिसीजन है, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना। मैं नहीं जानता आगे क्या होने वाला है, पर हाँ इतना जरूर जानता हूं वीडियो को लाइक करने के बाद और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि यही पर आपको सारी अपडेट्स बिल्कुल पहले पता चल जाएगी, जिससे अपने फेवरेट शोज को आप कभी मिस नहीं करोगे। तब तक के लिए बस बाय, टाटा नमस्ते, सलाम एंड कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स, बाय बाय।